गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे द नेक्स्ट टॉपिक डेट मीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन। बच्चे आज हमने पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन। पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट और स्मेल। लोअर मेंबर, अब देखो बेटा, हमेशा की तरह लोअर मेंबर ऑफ एलिफेटिक अमीन फैमिली सच एस मिथाइल अमीन, डाइमिथाइल अमीन, इथाइल अमीन आर गैसेस एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर। मतलब जो लोअर मेंबर है वो गैसेस होता है रूम टेम्परेचर पे एंड हैव स्मेल लाइक अमोनिया। और जो अगर हायर मेंबर की हम बात करें, ठीक है, हायर मेंबर ऑफ अमीन विद थ्री और मोर कार्बन एटम हैव मोस्टली लिक्विड। मतलब तीन कार्बन तक के जो अमीन्स होते हैं वो होते हैं गैसेस, तीन से ज़्यादा वाले होते हैं लिक्विड, ठीक है। एंड इसके स्मेल होती है फिशी स्मेल होती है एंड स्टिल हायर वंस आर सॉलिड। और अगर इससे भी हायर हम जाते जाएंगे थोड़े और हायर तो वो सॉलिड इन नेचर होता है। मोस्ट ऑफ द अमीन हैव अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ अमीन का अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है। अगर एरोमेटिक अमीन्स की बात करें ये टॉक्सिक इन नेचर होता है, ठीक है बेटा, पॉइजनस होता है ये, ठीक है हमारे लिए। मोस्ट ऑफ द अमीन्स प्योर फॉर्म आर, काफ़ी सारे अमीन जो प्योर फॉर्म में होते हैं वो कलरलेस होते हैं बट एस पर ये इजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दे बिकम कलर ड्यू टू द इम्प्योरिटीज ऑफ एंड एटमोस्फेरिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। पहले अब देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन छोटा सा बन सकता है कि पहले अमीन क्यों कलरलेस होता है और बाद में कलर क्यों बन जाता है, क्यों? क्योंकि ये इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है और इम्प्योरिटीज़ जो प्रेजेंट है एटमोसफेयर में उसके करके क्या हो जाता है, ये कलर हो जाता है, ठीक है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो अमीन्स हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन्स। अमीन की ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है हाइड्रोकार्बन के मुकाबले, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द रीजन एज, और ये किस रीजन से होता है, डेट अमीन क्या होता है, पोलर कंपाउंड होता है विद द एक्सेप्शन ऑफ टर्शरी अमीन फ्रॉम, जो बेटा टर्शरी अमीन्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल को एसोसिएट करके, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को एसोसिएट करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्यों? ड्यू टू द इंटर मॉलिक्यूल, क्योंकि उनमें क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, किसमें, नाइट्रोजन ऑफ वन, एक नाइट्रोजन में और एक हाइड्रोजन में और हाइड्रोजन ऑफ अदर में, ठीक है। यानी कि एक अमीन, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि एक अमीन का नाइट्रोजन और एक अमीन का हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। और वही अगर बात करें तो अमीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले। दिस इज ड्यू टू द रीजन डैट OH बॉन्ड जो होता है प्रेजेंट होता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में वो ज़्यादा पोलर होता है NH बॉन्ड के मुकाबले, ठीक है। वाई अमीन्स आर लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपने रीजन क्या है, दिस इज ड्यू टू द OH जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा पोलर होता है किसका, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का, किसके मुकाबले, NH बॉन्ड ऑफ अमीन के मुकाबले, ठीक है। टर्शरी अमीन की बात करें तो इसके पास क्या होता है, डू नॉट हैव इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। टर्शरी अमीन के पास, टर्शरी अमीन के पास सीधी सी बात है, देखो बच्चे तीन आर ग्रुप लगेंगे तो हाइड्रोजन तो होगा नहीं कि जो दूसरे के साथ जाकर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके, ठीक है। इस करके क्या होता है, बच्चे कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स की जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादा होता है टर्शियरी के मुकाबले, ठीक है। क्योंकि देखो प्राइमरी के पास कितने होते हैं, दो हाइड्रोजन, सेकेंडरी के पास एक और टर्शियरी के पास होता ही नहीं है, ठीक है। तो ऊपर में भी बेटा एक लाइन करेक्ट कर लेना, टर्शियरी के पास हाइड्रोजन नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये कंपैरिजन दिया हुआ। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें, लोअर एलिफेटिक अमीन्स सॉल्युबल होता है वाटर में बिकॉज ऑफ कैपेबल टू फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, प्राइमरी सेकेंडरी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। वेयरस अगर हम सॉल्युबिलिटी डिक्रीज इंक्रीज द मोलर मास ऑफ अमीन, सॉल्युबिलिटी कम होता जाता है जब मोलर मास ऑफ अमीन इंक्रीज होता जाता है और इसके साइज भी बढ़ता जाता है, तो ठीक है। बच्चों मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, साइज बढ़ने से क्या होगा, उनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक अल्काइल पार्ट होता है इसमें, आपने एक चीज़ सुना होगा पहले भी, 11th में भी सुना होगा, ये वो वाला जब आपने 10th में सोप सोल्यूशन वाला क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप वाला किया होगा ना, तो उसमें हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पार्ट वाला, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक वाला सुना होगा ना, कि जो हाइड्रोफोबिक होता है वाटर में वाटर को हेट करता है, फोबिक मतलब हेट, फिलिक मतलब लव, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट का साइज बढ़ता रहता है इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। देयरफॉर हायर अमीन कंटेनिंग सिक्स और मोर कार्बन आर इनसॉल्युबल
इन वाटर बिकॉज देयर और जो हायर मेंबर होते हैं, एक और रीजन होता है कि ये इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग या तो नहीं होता या तो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, ठीक है। द सोलबिलिटी ऑफ अमीन इन वाटर इज लेस देन डैट ऑफ एल्कोहल, ठीक है। दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन कम होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन 3.0 होता है और ऑक्सीजन इतना होता है, ठीक है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम करने कारण के ये ज़्यादा सोलबल होता है इसके नाइट्रोजन के मुकाबले। अमीन्स फॉर्म वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड एज कम्पेयर टू एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ, बिट वन अमीन लेस सोलबल दैन बिट वन ओल, द अमीन आर सोलबल इन लेस पोलर सॉलवेंट लाइक ईथर। और अमीन को अगर सोलबल करना है तो वो लेस पोलर सॉलवेंट में होगा, जैसे ईथर, एल्कोहल और बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन। मैंने आपको ये वाला डायग्राम पहले भी करा दिया था, पिरामिडल शेप होता है, ठीक है। आर में भी, और यहाँ पे एक बात हो रहा है कि आर को हम एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। आर लिखो, एच लिखो, शेप पिरामिडल होता है, ठीक है। हाँ, बट ये होता है कि मैंने ये भी चीज़ बताया था, जब हम तीनों आर ग्रुप लगाते हैं तो बॉन्ड एंगल 104 से 105 हो जाता है, याद है ना आपको, क्योंकि ये अगर आर कोई बड़ा ग्रुप है, यानी CH3 से भी थोड़े बड़े बड़े ग्रुप लगा दें, यहाँ पे C2H4 या C3H7 वाले कुछ लगा दें, तीन कार्बन या दो कार्बन वाला ये आर लगा दे कोई, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड एंगल को एक डिग्री बढ़ा देगा। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम, क्योंकि डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इन द नाइट्रोजन, ठीक है, मेक द अमीन रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड। और यही लोन पेयर करके यह क्या करता है, अमीन को रिएक्टिव कंपाउंड बनाता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, अमीन्स बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अपने पहले भी मैंने बताया था आपको, जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल वो जो नेगेटिव चार्ज होता है जो डोनेट करने की टेंडेंसी रखे, लोन पेयर ये इजीली डोनेट कर सकता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। और जितने हाइड्रोजन एटम लगे होंगे वो डिसाइड करता है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, ठीक है। ये तो आपको पीछे आपने पढ़ा हुआ है। रिएक्शन विद वाटर, बेसिक करेक्टर ऑफ अमीन, ठीक है। वाटर से कैसे रिएक्ट करेगा और क्या होगा उसके बाद। अमीन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप, ये तो पीछे ही पढ़ा हमने। देयर फॉर अमीन का क्या होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लाइक अमोनिया। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन NH ग्रुप द एलिफेटिक अमीन जनरली बेसिक, ये लोन पेयर होता है तो लोन पेयर का मतलब क्या है कि ये डोनेट कर सकता है और बेस क्या कर सकता है, डोनेट, इसलिए ये कौन सा नेचर होता है, बेसिक इन नेचर होता है। एज ए रिजल्ट टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड एंड देयर फॉर बिहेव एज बेस। अमोनिया भी बेस होता है, ये भी बेस की तरह बिहेव करता है। अमोनिया या अमीन रिएक्ट विद मिनरल एसिड्स टू फॉर्म अमोनिया सॉल्ट। और मिनरल एसिड क्या होते हैं, अगर मिनरल एसिड आपने नोट किया होगा तो HCl मेनली मिनरल एसिड में हम लिखते हैं, ठीक है, विच में भी, और टू फॉर्म सॉल्ट, ठीक है बेटा। जब ये मिनरल एसिड रिएक्ट करता है सॉल्ट फॉर्म करता है, ये देख लो अमोनियम सॉल्ट फॉर्म करता है ना, ठीक है। तो इसी रिएक्शन को देखो, प्राइमरी अमीन मिनरल एसिड से रिएक्ट करा, अमोनियम सॉल्ट फॉर्म किया, ठीक है, फिर OH नेगेटिव हमने इसमें डाला, यानी OH नेगेटिव क्या कह सकते हो, पूरा H2O डाला तो क्या करेगा, OH नेगेटिव क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और H जो होगा, इसमें आप पूरा लिख दो ना, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव डालोगे तो क्या होगा, ये H पॉजिटिव होगा और H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव इसके साथ चल जाएगा और ये इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा और आपके पास ये प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। इसी तरह एनिलीन होगा, एलिफेटिक वाला होगा, ठीक है। द कंपेरिजन ऑफ बेसिक करेक्टर ऑफ अमीन्स, ठीक है, अगर हम करेंगे अमीन का तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आपको मतलब पता ही है ना कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उतने प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, मतलब ये रिएक्शन इधर से रिएक्शन से प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ भी जा सकता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी जाता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम आ जाता है जब ना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है ना प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन ऑफ अमीन विद वाटर मे बी टेकन टू मेजर द बेसिक करेक्टर, मतलब क्या कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर विद अमीन लेंगे तो हम बता सकते हैं बेसिक करेक्टर के बारे में। द अमीन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड विच आयनाइज टू फॉर्म हाइड्रोक्सलाइन, ठीक है। पहले क्या बोल रहे हैं, जब भी अमीन को हम वाटर से रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोक्सलाइन फॉर्म करेगा और अगर वो फर्दर रिएक्ट करेगा तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ये दोनों कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है।
द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ, याद रखना कभी भी बेसिक स्ट्रेंथ निकालना तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से बेसिक स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री यूज़ होता है, ठीक है, तो इसके लिए मेनली यूज़ करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसे बोलते हैं के बी, ठीक है। तो इस तरह लिखते हैं, अगर मान लो ये कर रहे हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो आपने क्या करना है, रिएक्टेंट को एक तरफ लिखना है, ये देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, इसे बोलते हैं के इक्विलिब्रियम बोल लो या डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलो, दोनों में से एक यहाँ के बी लिख सकते हो आप साथ में, के बी इक्वल टू दिस, तो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो, सिंस इस चीज़ से क्या पता लग रहा है, H2O कांस्टेंट है, क्योंकि H2O कांस्टेंट है, क्योंकि रिएक्शन किस में हो रहा है, H2O में हो रहा है, जो चीज़ कांस्टेंट होता है उसको लेते हैं 1, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, कभी भी बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल, मेनली अगर ये सब एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ निकालना तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले वो रिएक्शन करवा लो, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेज में अगर होता है तो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये वाला एक फार्मूला टाइप लिखते हैं, के डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर होता है किसके, रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, फिर वो लिख लो। फिर ये याद रखना कि जिसमें वो रिएक्शन हो रहा है वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये वाटर के अंदर रिएक्शन हो रहा है ये, ठीक है, वाटर में मिला रहे हैं ना इसको, तो वो कांस्टेंट होगा, वहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है, वो 1 लिख दिया। और आप इसको यहाँ लिख सकते हो साथ में, या तो 1 लिख के, हमने क्या किया, कांस्टेंट है तो इसको हमने क्या करा, इस कांस्टेंट के साथ ले गए, ठीक है, ये आ गए आपके पास आ गए। तो ये देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ के बी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, के बी इक्वल के इक्विलिब्रियम, के बी इक्वल के इक्विलिब्रियम H2O, ये बराबर आ गया आप इसके। और फर्दर नीचे जाओगे तो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या आ गया, ये, ठीक है, H2O निकल गया ना बाहर, H2O बाहर नहीं निकला, H2O एक्चुअली 1 के बराबर हो गया। तो क्या हुआ, याद रखना जितना ज़्यादा के बी का वॉल्यू होगा उतना स्ट्रॉन्गर बेस होगा, स्ट्रॉन्गर इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, स्ट्रॉन्गर इज द बेसिसिटी, और जितना वीक होगा उतना वीक बेस होगा। नेक्स्ट मेथड है स्ट्रेंथ निकालने का, कि आप बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ PKB, ठीक है, PKB, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो, आपको याद है ना, ठीक है, PKB बराबर होता है माइनस लॉग KB, ठीक है, ये आपको याद भी होगा, पहले भी हमने कितने बार किया ये चीज, सेम चीज याद रखना, पिछले बार की तरह उल्टा होता है, पिछले बार में क्या था, जितना ज़्यादा ये होता था उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होता ना, ये उल्टा होता है, जितना कम PKB वैल्यू होता है उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होता है। कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड, अगर हम एलिफेटिक अमीन्स की बात करें और अमोनिया की, एलिफेटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, एलिफेटिक अमीन्स क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बेस होता है अमोनिया के मुकाबले, ठीक है, मतलब एक H की जगह R लग जाए तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाता है। दिस इज ड्यू टू द रीजन अल्काइल, और ये रीजन, ये ऐसा क्यों है, देखो क्यों है, देखो आपने एक चीज तो आपको पता होगा ना, कि अगर ये जितना ज्यादा ये अमोनिया इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ज्यादा ये बेसिक होगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास इतना कुछ पावर तो है नहीं जो नाइट्रोजन को कुछ डोनेट कर सके और फर्दर वो आगे डोनेट कर सके, बट इससे क्या होता है, लोन पेयर तो है बट लेस अवेलेबल है, ठीक है। बट अगर हम ये वाली बात करें, एलिफेटिक अमीन की बात करें, तो आपने सुना होगा ना ये, कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब अगर ये CH3, C2H5, C3H7 ये कभी भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ लग जाए ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इजीली इनसे इलेक्ट्रॉन ले सकता है। आप खुद सोचो, अगर ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसको, तो पहले लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन्स मतलब और चार्जेस इसके ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं, और चार्जेस ये ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, और चार्जेस ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब ये और ज़्यादा डोनेशन कर सकता है, और ज़्यादा डोनेशन कर सकता है, तो क्या होगा, ये अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। ऐसे रिजल्ट ये देखो, अल्काइल ग्रुप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है अल्काइल ग्रुप, मतलब प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। ऐसे रिजल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप होता है, इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे, नाइट्रोजन पे, इस करके नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है, और एज कम्पेयर टू अमोनिया, इस करके वो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अल्काइल बेंजीन है मोर बेसिक देन अमोनिया, ठीक है। अगर के बी वैल्यू देंगे कि हम NH3 की देखेंगे तो इतना होता है, और इथाइल अमीन की देखेंगे तो इतना होता है, ठीक है। अब खुद देखो 1.8 और ये 5.5 × −4, यहाँ −4 है या −5, कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अगर हम अब देखो बेटा, जो इसके बाद जो हम आगे आगे पढ़ते जाओगे तो आपने यही पढ़ी जाना है कि
बेसिक स्ट्रेंथ जो अलग अलग, अब हमने पहले पढ़ा कि अमोनिया इसका पढ़ लिया, अब हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पढ़ना है, फिर देखना है कि उनमें कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं उनके स्ट्रेंथ पे। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स बेसिक स्ट्रेंथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अमीन दे आर बेसिक करेक्टर। ठीक है, क्योंकि एन पे क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिक करेक्टर होता है। इससे आप ये देखो, अब यहाँ पे मेरे को लगता नहीं आपको समझाने की नीड है ये क्यों ऐसा हो रहा है। जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे, उतना ज़्यादा इजिली वो डोनेट कर पाए, क्योंकि मिथाइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये नीचे के रियल लाइफ रियल एग्जाम्पल्स है। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। इसके बाद जो है कौन से फैक्टर्स है जो इनको इफेक्ट डाल सकता है इनकी स्ट्रेंथ पे, स्टेरिक फैक्टर। द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इज मोर देन द हाइड्रोजन एंड देयरफॉर इट हिंडर्ड द अटैक ऑफ एसिड्स। याद रखना एक चीज़ और है बच्चों, कि अगर आपको खुद पता ना हाइड्रोजन छोटा होता है, हाइड्रोजन छोटा सा, पर अगर यही अल्काइल ग्रुप बड़ा होता है, याद रखना। आप खुद देखो ना कि अगर नाइट्रोजन के साथ तीन अल्काइल ग्रुप लगे हैं, तीन अल्काइल ग्रुप लगा, तो आपको ये पूरा का पूरा एरिया क्या हुआ, ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ तक पूरा का पूरा एरिया क्या हुआ, मतलब आर ग्रुप ने मतलब कवर कर लिया। ठीक है, इससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा क्राउडिंग हो जाएगी। नाउ द क्राउडिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी अमीन, ऐसे रिजल्ट क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, और इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस करके। अकॉर्डिंग टू दिस फैक्ट टर्शरी अमीन्स शुड बी लीस्ट बेसिक। ये कब होगा, अभी तो चलो हम मैंने आपको ऊपर पढ़ाया कि जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होगा उतना ज़्यादा मतलब बेसिक होगा वो। ठीक है, बट एक पर अब ये नहीं होता कि हम बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप लगा दें। अगर बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप लगाओगे तो बेसिक तो होगा, बट वो बेसिक का फायदा क्या है, जब वो अटैक ही ना कर सके किसी पे। ठीक है, ठीक है, उस बेसिक का फायदा क्या, जब अब एसिड उस पर अटैक ही ना कर सके। देखो जितना ज़्यादा बड़ा ग्रुप होगा ना उतना ज़्यादा क्या होगा, हिंड्रेंस होगा। ठीक है, हिंड्रेंस करके क्या होगा कि मतलब जो एसिड आ रहा होगा उसको अटैक करने के लिए स्पेस ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्राइमरी की तो अगर इस वे से हम बात करें तो जो सबसे कम हिंडर होगा वो उस पर एसिड इतना जल्दी अटैक कर पाएगा। ठीक है, तो अगर सॉल्वेशन ऑफ आयन, व्हेन अमीन्स इट डिजोल्व इन वाटर, जब भी अमीन को वाटर में डिजोल्व करते हैं, सीधी सी बात वाटर में डिजोल्व होगा तो क्या होगा, अंडरगो हाइड्रेशन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, प्रोटोनेटेड अमीन्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर क्या होता है, जब भी आप इसे क्या करते हो, वाटर में डिजोल्व करते हो, तो हाइड्रेशन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रेशन होता है, और इसमें हाइड्रेशन कैसे होता है, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और क्या होता है, प्रोटोनेटेड अमीन ऐसे बोल सकते हो जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, वो अमीन जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, प्रोटोनेटेड अमीन्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल एंड ये, और ये क्या करता है, जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है वाटर मॉलिक्यूल साथ, याद रखना क्या, या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है, जिसे बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। देयरफॉर गेट, जितना ज़्यादा, याद रखना कोई भी कंपाउंड जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो उतना कम लोअर एनर्जी का होता जाएगा। याद रखना केमिस्ट्री में जो जितना कम लोअर एनर्जी का होता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। नाउ द ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उतना ज़्यादा प्रोटोनेशन होगा, उतना ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, कंसिक्वेंटली ग्रेटर विल द टेंडेंसी ऑफ अमीन क्या होता है, चेंज हो जाए कटाइन में, और ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग अमीन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी उससे कम, टर्शरी उस सबसे कम। ठीक है, ये इस मुकाबले ये रिएक्शंस देख लो। अब मैं क्या बात करूँ, वाटर से रिएक्ट कराएगा तो ये वाला प्रोटोनेटेड अमीन बनाएगा। ठीक है, ओके, अब ये देखो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगा, प्राइमरी वाले में। देखो ध्यान से, तीन हाइड्रोजन है तो तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ कर सकता है। अगर वही टर्शरी के वाले की बात कर लो तो भाई दो प्लेस तो पहले ही, ये तो सेकेंडरी में, सेकेंडरी में दो प्लेस है, वही टर्शरी वाली बात करो, टर्शरी में तो भाई क्या रिएक्ट करेगा, एक ही स्पेस बस बचा है। ठीक है, तो वो कम से कम हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है और कम स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू ऊपर वालों के मुकाबले। मतलब क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज, और ये डिक्रीज होता है, स्टेबिलिटी भी यहाँ कम होती है, कम स्टेबल और ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, प्राइमरी सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी उसके बाद, टर्शरी उसके बाद। ठीक है, एज कॉन्सिक्वेंसिस कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव एंड सॉल्वेशन, सेकेंडरी अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस अमंग द अमीन्स एंड द बेसिक करेक्टर।
मतलब क्या बोल रहे हैं? तो नेक्स्ट में आपने एक चीज गौर किया गया होगा बच्चों आपने यहाँ पे कि इंडक्टिव इफेक्ट को जो पीछे मैंने पढ़ाया था आपको बेसिक वाला, उसमें क्या था, टर्शरी सबसे ज्यादा था, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। बट इसमें क्या है, इसमें सबसे ज्यादा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी है। तो ये क्या बोल रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसली क्या है कि जब हम कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं दोनों का, किसका, इंडक्टिव और सॉल्वेशन, जब हम दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं, इंडक्टिव सॉल्वेशन, तो ये किस, तो इन्होंने एक रिजल्ट निकाला। उस रिजल्ट में इन्होंने क्या बोला कि जब हम दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं तो एक ये रिजल्ट निकाला कि जो सेकेंडरी अमीन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, मतलब कि बाकी सभी अमीन से, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि जब आपने पहले इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे जो पीछे मैंने आपको कराया था कि टर्शरी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, बट जब आप सॉल्वेशन के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो ये पूरा उल्टा ही हो गया। यहाँ पे प्राइमरी ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी होगा। फिर ये क्या बोलते हैं कि दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो इन्होंने क्या रिजल्ट निकाला कि ऐसे फाइनल रिजल्ट इन्होंने क्या निकाला कि सेकेंडरी सबसे ज़्यादा, फिर टर्शरी, फिर प्राइमरी, ठीक है। इसके बाद है कंपैरिजन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन और इथाइलामिन। बोथ एनिलीन और इथाइलामिन क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, क्योंकि लोन पेयर इन पे प्रेजेंट होता है, किस पे, नाइट्रोजन पे। बट एनिलीन कम बेसिक होता है इथाइलामिन से। ये तो आप एक सिंपल केबी वैल्यू से पता लगा सकते हो, केबी वैल्यू जो होता है इथाइलामिन का इतना ज़्यादा होता है, पर इसका कम होता है। देखो कितना कम है, एक तो 10^-10 है, इसका 10^-4 है। अगर ये भी सिंपल दिया था तो ये फिर भी यही जीतता, ठीक है। और पीके वैल्यू देखो तो जितना कम उतना बेसिक, ये देखो इसका कितना ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये कंपैरिजन यहाँ से आप दे सकते हो, ठीक है। एक्चुअली में बेटा एनिलीन में क्या होता है, एनिलीन और अदर, अगर एनिलीन ले लो या दूसरे अराइल अमीन्स कोई भी ले लो, उसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स होते हैं ना, वो शेयरिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जब वो बेंजीन के साथ लगे हैं तो आपको पता है ना, बेंजीन कहता है रेजोनेंस। जैसे रेजोनेंस शुरू हुआ क्या हुआ, ये लोन पेयर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये फर्दर शिफ्ट होता जाएगा। ये पहले भी मैंने आपको कराया हुआ है, तो आप खुद देखो एट लास्ट में क्या हो रहा है। जो एनिलीन डोनेट करके बेसिक स्ट्रेंथ शो करता है, वो बेचारा कहाँ डोनेट करेगा, उसके बाद तो खुद पॉजिटिव चार्ज है। मतलब ये रेजोनेंस करके एनिलीन के पास वो लोन पेयर होता भी है तो काफ़ी कम टाइम के लिए होता है, मतलब काफ़ी कम टाइम के लिए एज कम्पेयर टू इथाइलामिन। और इथाइलामिन के पास तो ऑलवेज होता है, आपने देखा ही होगा पीछे भी, ठीक है। तो आप देख सकते हो फोर्थ और सिक्स्थ और सेवन्थ स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। अब इन्होंने सारा करके आपको क्या दिखाया कि अभी पूरे स्ट्रक्चर को हमने ऑब्जर्व किया तो हम एक ही चीज़ पा रहे हैं कि मतलब अमीन के पास, एन के पास लोन पेयर मेनली टाइम प्रेजेंट है ही नहीं। अगर वो प्रेजेंट है ही नहीं तो वो कहाँ से डोनेशन करेगा और कहाँ से बेसिक करेक्टर शो करेगा। इससे आप खुद देखो कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ थ्री स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर थ्री, स्ट्रक्चर फोर, स्ट्रक्चर फाइव। ये मैंने आपको पीछे भी दिखाया हुआ था स्ट्रक्चर थ्री, फोर, फाइव। अब ये देखो थ्री और फोर और फाइव पे, देखो थ्री, फोर, फाइव पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर इन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, डोनेशन के लिए कुछ है ही नहीं, डोनेशन के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये बेसिक करेक्टर शो कैसे करेंगे। अगर ये मतलब एक्चुअली में ये रेजोनेंस में होता है तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल बेसिक करेक्टर शो नहीं करते, करते हैं बट काफ़ी ज़्यादा कम, ठीक है बेटा। तो इथाइलामिन यहाँ से शो हो गया कि इथाइलामिन ज़्यादा बेसिक एज कम्पेयर टू एनिलीन, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, स्टेबिलिटी ऑफ एनिलीन और एनिलियम आयन, स्टेबिलिटी ऑफ एनिलीन एनिलियम आयन की हम स्टेबिलिटी देखेंगे। तो आपने एक चीज, आपको एक चीज़ याद होगा पीछे, यहाँ मैं बेसिक करेक्टर नहीं देख रहा, स्टेबिलिटी देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो एनिलीनियम आयन बेटा दो ही स्ट्रक्चर बनाता है, एक ये वाला, ये वाला, इन दोनों में से ये दोनों स्ट्रक्चर ही बना सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा ये कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, ये एनिलीनियम आयन है, ठीक है, एनिलीनियम आयन बोलते हैं इसको। तो इनमें सिर्फ दो स्ट्रक्चर्स ही होते हैं, ठीक है, याद रखना। कि अब यहाँ से क्लियर हो गया कि जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो क्या पता लग गया, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। नाउ हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है किसका, एनिलीन का, बट एनिलीनियम आयन के सिर्फ दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका मतलब एनिलीन ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू एनिलियम आयन, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट ऑन द बेसिक करेक्टर ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। क्या मतलब इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से क्या फर्क पड़ता है।
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और रिलीजिंग ग्रुप, लाइक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रिलीजिंग ग्रुप, जैसे कि OCS थ्रू डोनेटिंग, मतलब पता ना आपको क्या होता है, जो उस रिंग को डोनेट करता है, जैसे CH3 होता क्या कर रहा था, अमोनिया को डोनेट करता, वो डोनेटिंग था, और ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा अंदर से, जैसे हैलोजन्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं अंदर से, ठीक है, वो क्या करते हैं, और याद रखना आपको ये चीज़ पता होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं उसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को क्या करते हैं, वो अंदर वाले जो नाइट्रोजन क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा था, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा था, ठीक है, इनक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ। वाइल जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जो इलेक्ट्रॉन अंदर से निकालता है, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है इनसे उल्टा, नाइट्रोजन से उल्टा खींचता है, वो क्या करता है, ये बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है, ठीक है। जैसे कि हाँ, पर एक चीज़ जरूर होता है कि अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो मैंने आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, बट अब कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं आपके सिलेबस में है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिलीज इलेक्ट्रॉन, स्टेबलाइज द कटाइन एंड इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती तो क्या होता है, ज़्यादा ये स्टेबल भी होता है, ज़्यादा बेसिक करेक्टर भी शो करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये वाले हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के एग्जांपल ये वाले दिए हुए हैं, ठीक है। उल्टा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और ये क्या करता है, स्टेबिलिटी को कम करता है। अब यहाँ पे एग्जांपल, अब यहाँ एग्जांपल के देखो, सबसे ज़्यादा के कौन स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है, ठीक है। क्यों, इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ही नहीं, और इस पे तो भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मैं लिख देता हूँ, इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इस पे कुछ है ही नहीं, और इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है, और ये उल्टा भाई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उल्टा खींच रहा है, ये दे रहा है, ठीक है, क्लियर है। आपने प्लस वन में एक चीज और पढ़ा होगा कि ऑर्थोमेटा पैरा मतलब ऑर्थोमेटा और पैरा, ठीक है, आपने ऑर्थोमेटा पैरा भी पढ़ा होगा, अगर ये ऑर्थो है तो ये मेटा, ये पैरा है, आपने ये भी चीज़ पढ़ा होगा ना प्लस वन में, तो आपको आपने वहाँ से सीखा होगा कि जो पैरा सोमर्स होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं मेटा और सोमर्स, याद रखना कि पैरा ज़्यादा स्टेबल होता है किसके मुकाबले, मेटा से। मेटा मेनली, जो अगर मेटा की बात करो तो मेटा जो होता है इसमें स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, मेनली ज़्यादातर केस में जो मेटा होता है वो अनस्टेबल ही होता है, अनस्टेबल मतलब कि लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। द बेस वीकनिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो क्या करता है कि बेस की जो स्ट्रेंथन को क्या, बेस की पावर को क्या करता है, कम करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन निकालता है इसमें से, ठीक है। तो यहाँ से भी बेटा क्लियर हो रहा है कि अगर मान लो पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब, ये स्टेबल कर रहा है, वही अगर मान लो ये मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है तो अगर पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे पा रहा है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझो, टफ में मत जाओ, अगर पैरा पे लगाया तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, और ये देखो ध्यान से, पी के वैल्यू भी कम है इसके मुकाबले, ये के भी वैल्यू भी कम है, इसका मतलब ये पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल है मेटा के वाले के मुकाबले, ठीक है। और ये तो था जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा था, ठीक है, और इसका उल्टा रिवर्स हो जाएगा, पूरा उलट जाएगा कहानी कहाँ आके, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगाओ, याद रखना तब कौन स्टेबल होगा, मेटा वाला। बेटा कुछ चीज़ें याद करने पड़ेगी, वो यहाँ पे ये है, ठीक है, एक को ले लो, एक को याद कर लो, दूसरा उसका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, कि मेटा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर बेसिक होगा एज कम्पेयर टू पैरे वाले के मुकाबले। ऑर्थो की बात करें, ऑर्थो पोजीशन मतलब इस पोजीशन के बारे में बात करें, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन एनिलीन, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज लेस बेसिक देन द एनिलीन, ठीक है, दिस इज ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट होता है एक, तो यहाँ क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मीन्स क्या कि वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, जैसे कि ये वाले में अगर ऐसा ग्रुप होगा तो क्या होगा कि ऑर्थो वाला लेस स्टेबल होगा किसके मुकाबले, मेटा वाले के साथ। ये बेटा ऊपर वाले की तरह ही है, बट इसमें
ऑर्थो इफेक्ट कर, इसमें जो मेन रीजन होता है वो होता है ऑर्थो इफेक्ट करके, ठीक है। तो ऑर्थो इफेक्ट में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ये दो फैक्टर्स होते हैं जिनका कॉम्बिनेशन लेकर ऐसे रिजल्ट लास्ट में निकालते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की अगर बात करें तो आपको मैं कन्फ्यूज नहीं करूँगा, आप सेम ऊपर वाले की तरफ ही है। जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की बात करेंगे तो मेटा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, मेटा वाला नहीं इसमें, हाँ सॉरी, मेटा वाले के साथ कंपेयर नहीं हो रहा है इसमें, इसमें क्या कंपेयर हो रहा है, एक वो जिसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगा है और एक वो जिसमें कोई ग्रुप नहीं लगा, उन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। तो याद रखना जो ओरिजिनल होता है, ठीक है बेटा, किसके केस में, विड्रॉइंग ग्रुप के वाले केस में, जो ओरिजिनल वाला एनिलीन है जिसपे कोई ग्रुप नहीं लगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा और ज़्यादा बेसिक हो गया एज कम्पेयर टू जिसपे ऑर्थो पोजिशन पे एनोटो ग्रुप लगा है, ठीक है। एनोटो ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन उल्टा विड्रॉ कर रहा है इसमें से, ठीक है, दोबारा सुन लो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऑर्थो पोजिशन पे लगा है तो वो कम बेसिक होगा एज कम्पेयर टू एनिलीन के मुकाबले, वही अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो वो ज़्यादा बेसिक होगा और ओरिजिनल वाले से, ठीक है, मतलब एनिलीन से, क्लियर है। यहाँ पे बेटा कंपैरिजन है, ठीक है, ये जो ऊपर आपने सारा पढ़ा है इसका कंपैरिजन है, ये भी देख सकते हो आप, ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, दो नंबर में भी, तीन नंबर में भी और एक नंबर में पूछा जा सकता है ये, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए।